शाही इमाम ईदगाह में आकर हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग भगवान हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करना चाहते हैं। इसको लेकर मथुरा में धारा 144 लागू की गई है और इसके साथ साथ पुलिस भी अपील कर रही है कि कोई भी व्यक्ति यहां पर असामाजिक तत्व से जुड़ा हुआ ना पहुंचे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब ना करे। हमारे साथ मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से हिंदू सभा की तरफ से ये कहा गया कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 30 साल का बाबरी विध्वंस है, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? आपका शुभ नाम? मैं मौलाना अब्दुल वाजिद इमाम शाही मस्जिद ईदगाह बोल रहा हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है और जो हमेशा के लिए मैं सोचता हूँ और सोच के चलता हूँ, आज भी मेरी वही सोच है और मेरा यही कहना है कि होने जाने का आखिर कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। ये और बात है कि जिस किसी ने इन बातों को छेड़छाड़ के बतौर कहती है और करती है, सिवाय फिजा ख़राब और शहर के माहौल ख़राब करने के सिवा और कोई बात नहीं। और मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे मेन मुद्दा ऐसी बात करने वाले का मेन मुद्दा क्या है, अपनी नेतागिरी चमकाना है। अंदरूनी अगर किसी से उसका कोई फ़ायदा हाँ या बेनिफिट जुड़ा हुआ तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, वरना मुझे ख़ास तौर से मथुरा शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम सभी पे और सभी वर्गों पे मुझे पूरा पूरा यकीन और विश्वास है कि ऐसा ना होगा ना होने देगा कोई। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे आप देखते हैं? पुलिस ने धारा 144 लागू की है, लोगों से अपील भी की जा रही है, हिंदू संगठन से जुड़े हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, कई लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये पुलिस प्रशासन का अहम फरीजा है कि जब चेतावनी देने वाले उसने चेतावनी दिया है तो उसी के ये बचाव के लिए पुलिस प्रशासन ने जो माकूल इंतज़ाम किया है मुझे बहुत ही पसंद, और मैं बहुत बहुत पुलिस प्रशासन के शुक्रिया अदा करता हूँ। मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कोई मामला है तो कोर्ट से निपटा जाए? ये तो अहम बात है, मगर इस तरह के शब्दों को बोलने वाले इंसान के मिजाज पे मुझे बहुत बड़ा वो है, अफसोस होता है कि जो बात कोर्ट अदालत तक पहुँच चुकी है तो इसके अथॉरिटी और इसके जिम्मेदारी तो कोर्ट और अदालत है, फिर दूसरों को क्या अथॉरिटी है जो शहर के फिजा ख़राब करने वाली बात करके फिरती हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो शख्स इस तरह के फिजा ख़राब करने वाली बात करती हैं, पुलिस प्रशासन के लिए बहुत अहम एक फ़र्ज बनता है कि कानून के दायरे में इन सारी बातों को कंट्रोल करें और उस पर जो भी कानूनी प्रक्रिया करें। ये थे शाही इमाम ईदगाह के मौलाना जो News 24 से बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है, कानून के हिसाब से काम किया जा रहा है। जिन संगठनों ने इस तरह से आह्वान किया है वो राजनीति कम चमकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं और इस तरह की कोशिश करने की शुरुआत कर रहे हैं। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, News 24 मथुरा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।